शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या गंदे एंगल से फोटो लेती है, कुछ नहीं आता है तुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? और यहाँ पे आपकी तो काम नहीं का। क्या कर? मैं ना आशी को सबके फोटोज भेज देती हूँ। बाबा बाबा स्माइल। क्या बात है भाई, गजब। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी, आइए आइए। नमस्ते कामनी जी, आपकी का स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। अमृता सिस, आपने तो एकदम कमाल वाली ग्राइंडिंग तैयारी करी हुई है, एकदम अमेजिंग लग रहा है ये सब तो। वैसे विद्या और नकुल की सगाई के साथ साथ सिद और गीत की सगाई का भी सारा लोडिंग आप पे आ गया। कैसी बातें कर रही हैं आप, ये गीत और सिद के आप पराए हैं, हमारे ही तो बच्चे हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय सिद। हाय गाइस। माई यहाँ पे देखना सर। नमस्ते। अरे दीपक जी। अरे भाई तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम भी। आज हम बहुत खुश हैं तुम। अब तक तो सिर्फ हमारी सहेली थी, अब समधने बनने जा रही है हम दोनों। हाँ, हम भी बहुत खुश हैं अमृता। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू इंदु, आज तेरी वजह से हम भले ही उस सेरेमनी में हैं नहीं, ना होके भी हम शामिल हो गए। संभाल के चलो नकुल, मैंने तुम्हें कहा था ना कितना समझाया था, लेकिन नहीं, तुमने कल पूरी रात पी है। माय डियर बहना, मैं कल रात से नहीं, आज सुबह से भी पी रहा हूँ। नकुल अब तुम ना मुझे टेंशन दे रहे हो, कोई अंदर गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? देखो नकुल, अब सब अंडर कंट्रोल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिड को भी समझा दिया था कल, वो भी कुछ नहीं करेगा। मेरा सिड मुझसे एंगेजमेंट करेगा। तुम्हारा सिड? ओ ये तो सिड लव ट्रायंगल। उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सख्त नफरत करता हूं उन दोनों से। मैंने कहा ना अब तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? दाव तो ऐसे देके गई है जैसे मैं इसके इशारे पे नाचूंगा। अपने हाथी कठपुतली समझती है, जो कहेगी वो करूंगा ना। आज तो मैं वो करूंगा जो मेरा मन कहेगा। आज मैं सगाई वी से करूंगा। सगाई वी से? और सुहागरात आशी से। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाय हाय। तुमने बताया नहीं मैं आज कैसी लग रही हूँ? वैसे तो मुझे पता है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो ना कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। एक सेकंड ना। अरे हेलो जी, नमस्ते नमस्ते। वैसे तो हमें किसी इंटरेक्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारा शहर तो हमें नोइंग करता ही है, लेकिन फिर भी हम अपना इंटरेक्शन दे ही देते हैं। हम है कामिनी, यहाँ पर सबकी मैच फिक्सिंग करवाते हैं, मतलब मेड फॉर इच मच अदर टुगेदर, वही करवाते हैं जी हम। हाँ है विद्या, चलो भाई तुम्हारी सगाई है, चलो रॉक एंड रोल करते हैं, डांस फ्लोर पर आग लगा दो दोनों, चलो। ऑफ कोर्स कामिनी आंटी, एक डांस तो बनता है, लेकिन वी डांस करे और लाइव टेलीकास्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप ये फोन लीजिए और हमारा डांस लाइव टेलीकास्ट कीजिए। यस यस, ये भी कोई आस्किंग की बात है क्या? जरूर करेंगे।
काम करते हैं, हम ना उसे वीडियो कॉलिंग करते हैं। अमृता आंटी, इन दोनों की जोड़ी कितनी जच रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ, है ना? आओ। फोन क्यों नहीं लग रहा है? शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करते हैं। फोन क्यों नहीं लग रहा? उसका इंटरनेट शायद से बंद होगा। हमारी पिद्दी ये इतने सारे नजारे मिस कर देगी। कोई बात नहीं, हम नॉर्मल कॉल करके देखते हैं। बॉस को फोन करके बता देते हैं, उनका काम हो गया है। कर। ध्यान कहाँ है? कितना अच्छा डांस कर रहे हैं दोनों। कुछ नहीं पापा, मैं बस थोड़ा सा। पहले तो कॉल लग नहीं रहा था और अब जब लग गया तो उठा नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है आशी ना नाराज होगी क्योंकि माँ ने उसे यहाँ आने नहीं दिया ना। क्या करे, अकेली होगी बेचारी, उसे बुरा भी लग रहा होगा। कोई बात नहीं, फोन नहीं उठा रही है तो क्या हुआ, हम एक काम करते, हम उसे देख के आते। फोन बज रहा है, कहीं उसका फोन तो नहीं। यार बॉस तो फोन नहीं उठा रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं बाहर, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है। अच्छा उठाओ के बैठा। क्या बात है बेटा, कितना अच्छा डांस किया तुमने। थैंक यू। तुम दोनों की जोड़ी बढ़िया लग रही थी, खुश रहो, ये लो रखो मेरी तरफ से। बहुत बहुत खुश हो। अरे शर्मा जी, मैं ही कह रहा था। अच्छा डांस किया। ओह माय गॉड, इतने सारे लाइक्स। नकुल क्या हुआ, सब तुम लोगों की इतनी तारीफें कर रहे हो, तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और बार बार ये फोन में क्या कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं भाई। इन दोनों का डांस देखकर तो मजा ही आ गया। अब है गीत और सिद की बारी। चलो भाई आ जाओ डांस फ्लोर पर, तहलका मचा दो। गीत मैं डांस नहीं करता। चलो ना प्लीज सिड। अरे नेफ्यू, नेवर एवर कभी नहीं कहते, स्टार्टर तो करो भाई, डांसिंग आउट तो अपने आप हो जाएगा। हां सिड बेटा, डांस हो जाए, कम ऑन। ये फोटो फ्रेम किसने टेढ़ा किया? आते जाते ना सबने देखा होगा कि फ्रेम टेढ़ा हो गया, पर कोई सीधा नहीं करेगा क्योंकि घर के सब काम तो हम ही करते हैं ना। चल मैं बॉस को कॉल करता हूँ। चल फोन लगा। हाँ
बॉस से बात हुई क्या? यार वो फोन नहीं उठा रहा है। अरे यार एक काम करते हैं, मैंने वहां पे एक स्टोर रूम देखा है, वहीं पे लेके चलते हैं उसे। चल चल टेंस उठा। आशी ध्यान गीत और सिड के डांस पे है, मुझ पे किसी की नजर नहीं, तो बस चीते की रफ्तार से निकलता हूं और अपना काम करके आता हूं। पहले फोन कर लेता हूं। हाँ बॉस, काम हो गया। बहुत खूब, कमाल कर दिया। अब मचेगा धमाल। चलो अब जल्दी से उसको लेकर गोडाउन पहुंचो, बाकी का बवाल वहां होगा। बॉस हम पंछी को बाहर लाने वाले थे, लेकिन यहाँ चारों तरफ लोग बहुत हैं, इसलिए बाहर नहीं ला पाए। अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। यहाँ गलियारे के आखिर में एक स्टोर रूम है, तो हम इसे यहीं ले आए। हाँ चलो कोई नहीं, गोडाउन नहीं तो स्टोर रूम से क्या फर्क पड़ता है। आशी को तो आज मेरा होके रहना पड़ेगा और वो मेरी होगी। चलो आ रहा हूँ मैं। ओके बस। बॉस आ रहे हैं। चलो बाहर चलते हैं, हम भी पार्टी का मजा लेते हैं। बॉस को आने में अभी टाइम है। कमरा बिखरा हुआ है। आशी उसका फोन भी यही है। कहाँ चली गई? देख के तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ रहा है, कुछ अर्जेंट काम था। अभी थोड़ी देर में आया। ओके बट जल्दी आ। चल मेरे साथ। क्या हुआ निधि, तुम इतनी टेंशन में क्यों? वो मेरी पिद्दी आशी, आशी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत टेंशन हो रही है। हम उसको फोन कर रहे थे पर उसका फोन नहीं लगा। पहले तो उसको सब मैसेजेस जा रहे थे पर उसके बाद उसका फोन बंद आ रहा है, तो हम उसे उसे देखने कमरे में चले गए। कमरे में तो वो थी ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। और
कमरे की हालत देख के साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कमरे में नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रही मतलब? चलो दिखाओ मुझे। क्यों हुए गायब? कोई है? कोई है यहाँ पे? हम यहाँ बंद हैं, कोई है? बिखरा पड़ा है, उसका फोन भी यही पड़ा है। पता नहीं कहाँ गई आशी। सिर्फ कुछ करो, बहुत टेंशन हो रही है हमें। तुम टेंशन मत लो निधि, आशी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे आशी को। चलो राम जी, हमारी मदद करो राम जी। अब आप ही किसी को भेजिए मदद के लिए राम जी, प्लीज। तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो? कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या गलती हो गई हमसे? गलती? बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। बताया तुम्हें? तुम्हारी गलती ये है कि तुम बहुत मासूम हो, खूबसूरत हो, चांद सी नाजुक। तुम्हारी ना इस खुशबू में एक अलग ही बात है। दीवाना बना रखा है इस खुशबू ने मुझे तुम्हारा। दूर हटो हमसे। दूर हटने के लिए थोड़ी ना आया हूं मैं, तो बस तुम्हें संभालने के लिए आया। देखो मेरी तुमसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। लेकिन किसी ने कहा है कि अगर इज्जत के बदले इज्जत मिलती है तो बेइज्जती के बदले भी तो बेइज्जती मिलनी चाहिए ना। और अब अगर
तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत उछली है तो बदले में तुम्हारी भी तो इज्जत उछलनी चाहिए। यहाँ क्या है? वो तो गार्डन की कनेक्टिविटी का एरिया है। चलो सगाई में तो मजा ही आ गया और क्या गजब नाचे हैं सबके सब। हाँ सगाई में चार चांद लग गए। रोहिणी अब सगाई का मुहूर्त हो गया तो रस्में शुरू करें। नेकी और पूछ पूछ, अरे उसी के लिए तो हम मिले हैं ना सारे, गीत विद्या मुहूर्त हो रहा है ना। लेकिन वो नकुल 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 कहाँ है? नकुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ चला गया? वो कहकर तो गया था उसे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया है, बोल रहा था जल्दी आ जाएगा, लेकिन पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। कहाँ जा सकता है नकुल? अभी मेरा भाई कौन सी भाईगिरी दिखाने गया है? पता नहीं कौन सा नया गेम प्लान कर रहा है। ओह गॉड, अभी फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। कहा था ना उससे कुछ मत करना, पर ये भी ना। सेट भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ चला गया? हे भगवान, दोनों गायब, कहीं मेरा शक सही तो नहीं है? दोनों लड़के सगाई छोड़कर कहाँ जा सकते हैं इस टाइम? जल्दी से फाइंडिंग आउट कीजिए, मुहूर्त रनिंग आउट हो रहा है भैया। हाँ देखते हैं कहाँ है ये लोग। हम देखते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा।
ये सब क्या है? क्या ये सब क्या हो रहा है? नकुल पीछे हटो, सीट छोड़ो, सीट सीट छोड़ो, सीट नकुल पीछे हटो, पीछे हटो, क्या ये सब क्या है? सीट क्या है? बस सीट क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? ये लड़की भाई शहर सारा बवाल इसने मचाया है, सारा किया धरा इसका है। ये क्या हो रहा है सब? क्या हो क्या रहा है यहाँ? काकी वो नकुल हमारे साथ झूठ बोल रही है ये। असल में सच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सच ये है कि मैंने आशी और सिद को इस कमरे में रंगे हाथों एक साथ पकड़ लिया था। मैं इन दोनों का भांडा ना फोड़ दूं इसलिए सिद मुझे जाके पीटने लगा। ये देखिए कितना मारा इसने मुझे, अब मारना मारना। सच ये है कि ये दोनों फंसे हुए हैं तभी मुझे फंसा रहे हैं। अरे प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। प्रेम के पंछी हैं, प्रेम प्रेम खेल रहा था यहां पर। यू क्या झूठ मत बोलियो, आज इनकी प्रेम लीला का राज खुल गया है। आप मेरा विश्वास कीजिए विद्या, तुम तो मेरा विश्वास करती हो ना, करती हो ना? मैं सच बोल रहा हूँ विद्या, मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा यहाँ पर। इनका सच सामने ना आ जाए तभी मुझे फंसा रहे हैं, पर मैं सब सच बोल रहा हूँ। इन दोनों का चक्कर चल रहा है, हम सबको मिलकर घन चक्कर बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आज तो बहुत अच्छी तरह जानती है ऐसी लिटली शहर की लड़कियों को, ऐसी तो मेकिंग आउट करती है। अमीर लड़का देखा नहीं कि फ्लर्टिंग चालू है कि नहीं? अपनी चाल ढाल से कैचिंग थ्रोइंग करती है और फिर फिंगर पर नचाती है लड़कों को, और क्या, और पैसे कमाती है। यही तो काम है इनका, भगवान बचाए ऐसी लिटली शहर की लड़कियों को। अरे कामिनी जी इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो लड़की ही ऐसी है, पराई है ना ये, इससे क्या शिकायत करें। लेकिन सेठ ये तो अपना है ना, इतनी घटिया हरकत, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सेठ। जवाब दो, इतनी घटिया हरकत तुम कैसे कर सकते हो, बताओ। अरे 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 रोहिणी सिस, ये क्या डेलिंग आउट कर रही हैं आप? इसमें हमारे नेफ्यू की तो कोई गलती है ही नहीं ना, क्यों इसे ब्लेमिंग आउट कर रही हैं? गलती है ना इस लड़की की है, इस लड़की को बोलिए इसका फॉल्ट है सब। पहले तो पतली कमरिया से कैट वॉकिंग करके हमारे नेफ्यू को फंसा लिया, अब आपके बेटे का नंबर है इसे फंसा रही है। अरे आप तो पहचान ही नहीं पाई, लेकिन हम पहचान गए ऐसी लड़की को, इसका तो काम ही यही है। अरे इज्जतदार घर की लड़कियां कैसी होती है इसे क्या पता। आई नो नकुल, मेरे सिट ने कुछ नहीं किया है, जो किया है तुमने किया है। कहा था ना तुम्हें, मना किया था कि कुछ मत करना, मेरी सगाई सिट से हो जाने देना, लेकिन नहीं, तुम नहीं माने, सारा बवाल खड़ा कर दिया और अब सारा इल्जाम मेरे सिर पे डाल रहे हो। अच्छा नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम। कतई शहर कदर मचा रखा है तुमने, दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा करके अब ऐसे चुपचाप खड़ी हो जैसे को जानती ही नहीं हो। वैसे तो बड़ी पटर पटर जबान चलती है ना तुम्हारी, अब बको कुछ, बोलो क्या हो रहा है ये सब, क्या किया है तुमने, बताओ। आशी ने कुछ नहीं किया है, इसमें आशी की कोई गलती नहीं है। बाबा हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए, आशी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है बाबा, इसने कुछ किया ही नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है आशी की, आशी बेकसूर है। इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, इसे और सिर को फंसाया जा रहा है। चुप, सच को झूठ में मत डुबाओ,
बात ऐसे कर रही हो जैसे सब कुछ जानती हो। तो जानती हो सच क्या है? हाँ माँ, मैं जानती हूँ सच क्या है। हम आपको सब सच बताते। आशी अपने कमरे में थी, तभी छिपके से कोई इसके कमरे में आया और उसे घसीटते हुए अपने कमरे से जबरदस्ती बाहर ले गया। आशी ने बहुत हाथ पैर मारे पर आशी का फोन नहीं लग रहा था। हम आशी को देखने उसके कमरे में गए तो उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ था। आशी कमरे में थी ही नहीं। हम परेशान हो रहे थे, आशी को हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं। तब हमें सिड मिला और सिड को हमने सब कुछ बता दिया। आशी का कमरा बिखरा हुआ है, और आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता ना तो जाके उसका कमरा देखिए, फिर विश्वास हो जाएगा। सिड तो बस हमारी मदद कर रहा था आशी को ढूंढने में। इसमें ना ही सिड की कोई गलती है और ना ही कोई आशी की गलती है। गिरा हुआ इंसान अगर कोई है ना, तो वो है ये नकुल। निधि, जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहा है सब, आशी बेकसूर है माँ। हम सच कह रहे हैं, आशी के साथ इसने जबरदस्ती की। ये सब खेल रचा है ना, ये नकुल ने ही रचा है माँ। इतनी घटिया हरकत की है, आज अगर आशी के साथ कुछ हो जाता ना माँ तो। अरे भाई साहब, चुप चुप। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने सोचा भी कैसे? जिन हाथों से तूने हमारी बेटी को छुआ है ना, हम तेरे दोनों हाथ काट डालेंगे। हम तेरा वो हश्र करेंगे कि तू दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अमित जी, भाई साहब, क्या कर रहे हैं? भाई साहब, अमित जी, नकुल, अमित जी, अरे थोड़ी देर, अरे अमित जी, भाई साहब, उसे छोड़ी। डर मत बिंदी, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना, गलत इरादे से भी देखेगा ना, तो उसको उठा के फेंक देंगे। अरे बात सुनने की कोशिश की, क्या कर रहे हैं? मैंने दूर हो जा हमारे घर से, और हमारे घर के आसपास कभी दिखाई मत देना। खबरदार, जो हमारी बच्चियों के आसपास कभी दिखाई दिया, आज तो हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन आइंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं बहन जी, वरना आपके इस बेटे ने जो हरकत की है ना, उसके लिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ते। वो तो हम आपके और अमृता की दोस्ती का लिहाज कर रहे हैं, वरना आपके बेटे ने जो हरकत की है ना, हम नहीं चाहते कि आपकी और अमृता की दोस्ती के बीच में कोई खटास आए। इसकी इस नीच हरकत पे तो हम इसकी जान भी दे सकते थे। लेकिन भाई साहब, अब मेरे बेटे के साथ ऐसा करेंगे, वो भी एक पराई लड़की के लिए। पराई? हमने पराई किसे कहती है? ये पराई नहीं, हमारी परछाई है, हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की इज्जत है। हमारी तीन बेटियों में से एक बेटी है ये, और आपके बेटे ने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, हमारी बेटी पर हाथ डाला है। वो तो हम आपका लिहाज कर रहे हैं, अगर ये किसी और का बेटा होता ना, तुम कब का इसकी जान ले चुके होते। प्लीज प्लीज, आप लोग जाइए यहां से, जाइए यहां से। अभी लड़का अगर एक मिनट भी हमारी आंखों के सामने रहा ना, तो ना जाने हम क्या कर बैठेंगे। एक पिता के जिगर में जब आग लगती है ना, और अगर कोई उसकी बेटी की इज्जत पे आंच लगाता है ना, तो पिता उस आंच की जगह आग लगा देता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें आग लगा दें। लेकिन निकल जाओ यहां से, जाओ। भाई साहब, हमारा रिश्ता। रिश्ता? कैसा रिश्ता? आपके बेटे ने जो घटिया हरकत की है, उसके बाद भी आपको लगता है कि हम आपसे रिश्ता रखेंगे? कोई रिश्ता नहीं होगा, जाइए। लेकिन बाबा नकुल। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तू हमारी बेटी है, हमारे घर की इज्जत है तू बेटा, और हम नहीं चाहते कि हम अपने घर की बेटी, अपने घर की इज्जत एक ऐसे लड़के के हाथ में सौंप दें जो नकारा हो। बेटा, क्या तू सच्चे मन से अब इस जैसे आदमी के साथ शादी कर पाई? नहीं ना। बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती करवा ली। हम भी इज्जतदार लोग हैं भाई साहब, अब और नहीं सुनेंगे। चलो यहाँ से। रोहिणी, रोहिणी हमारी बात सुनो, रोहिणी मॉम सुनो। चलो मॉम।
अमित जी, हम भी चलते हैं। सेठ बेटा, घर चलो। नकुल ऐसा कर ही नहीं सकता माँ, मुझे पता है, ये नकुल को जानबूझ के फंसाया गया है, नकुल कर ही नहीं सकता माँ। बेटा, तू शांत हो बेटा। नहीं माँ, ऐसी नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पर पानी फिर गया, सारा गेम बर्बाद हो गया, सब उस सिट की वजह से। जब देखो मेरी फिल्म में हीरो बनके एंट्री करता रहता है, सबके सामने उसने मुझे विलन बनाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की, नकुल पे हाथ उठाने की। काट डालूंगा उसको, तुम्हें मार डालूंगा, तोड़ डालूंगा। छोड़ो, एकदम चुप। अरे और क्या करेगा? अरे पूरे समाज में, पूरी बिरादरी में तुमने हम सबकी नाक कटवा के रख दी है। मॉम, देखो पापा क्या बोल रहे हैं। तू गलत क्या बोल रहे हैं? लेकिन कुछ नहीं, आज तक हमारी कभी इतनी बेइज्जती हुई है क्या? आज हुई है, और उसकी वजह ये नालायक है, ये शर्म बदतमीज बेगार नालायक। डैड, आपको क्या लगता है कि ये सब मैंने किया है? गलत लगता है, ये सारा किया धरा गीत का है। बस नकुल, अपने किए का ठीकरा मेरे सर पे मत फोड़ो। यहाँ सबको पता है कि जो किया है वो सब तुमने किया है, और मैं सच बताऊं तो जो भी किया है बहुत गलत किया है तुमने। नहीं करना था, तुमने अपने साथ साथ मेरी शादी भी तोड़वा दी। तुम्हें अपनी शादी टूटने का कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मुझे सिद्ध से शादी करनी है। डैड, मॉम, मुझे सिद्ध से शादी करनी है। प्लीज 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 आप दोनों कुछ कीजिए ना। मैं उसे कब से फोन लगा रही हूँ पर वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। मैं सिद्ध से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत। प्लीज प्लीज, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर वो मुझे नहीं मिला, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई, तो बस जिंदा नहीं रहूंगी। सिर्फ नहीं तो जिंदगी नहीं। हाँ, मैं मर जाऊंगी। बेटा ऐसा मत, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेलो ड्रामा क्वीन कहीं की है। मेलो ड्रामा, तू नहीं सुधरेगा, तू नहीं सुधरेगा। चल। आशी, ले पानी पी। नहीं पीना मतलब क्या, चुपचाप पानी पी। जहर खोल दिया है हमारी बेटी की जिंदगी में, उसकी सगाई में। गए थे, मना किया था, कहा था सगाई में, सगाई की रस्मों में हमारी बेटी की जिंदगी में मत आना, कहा था कि नहीं। लेकिन नहीं, हमारी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। हम जहर बोलते हैं ना, हमारी बातें जहर, हम जहर। हमारा ख्याल किसे है, हमारी किसे पड़ी है? हमारा ख्याल नहीं है, हमारी बेटी का ख्याल नहीं है, सिर्फ एक इंसान का ख्याल है, आशी।
साक्षी आंसू नजर आते हैं, आंसू नजर आते हैं इसके। हमारी बेटी का दुख किसी को नजर नहीं आता। हमारी बेटी जो उसकी सगाई टूटी है, उसका दिल टूटा है, ये जिंदगी बर्बाद हो गई है इसकी, कैसे अमृता कैसे जिएगी, ये सोचा है किसी ने? अमृता अब बात को आगे मत बढ़ाओ, यही खत्म कर दो बस। जैसे आपने बात खत्म की थी, एक मिनट नहीं लगा था ना आपको फैसला करने में। इतनी जल्दी तो अदालत भी फैसला नहीं सुनाती जितनी जल्दी आप सुनाते हैं। पहले आपने हमारे बेटे का फैसला सुनाया था, फिर हमारी, और आज एक फैसला लिया हमारी बेटी के लिए। आपके दोनों फैसलों ने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आपके दोनों फैसलों ने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं है। क्या गलत कह रहे हो? आपको तो हमारी हर बात में खोटी नजर आती है ना? सिर्फ इसकी बात सही लगती है आपको? ये जो कहे वो सही, हम जो कहे वो गलत। अरे ये लगती मासूम है, देखो चेहरा, देखो देखो चेहरा इसका, बहुत मासूम लगती है। ये बड़ी मनहूस, अब शगुनी पनौती है ये पनौती। इसके कदम जहां पड़ते हैं ना, सब सर्वनाश हो जाता है। अब शगुनी है ये, अब शगुन कदमों वाली। पता नहीं किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुई थी ये। जब छोटी थी ना तब हमारे बेटे को निकल गई, हमारी खुशियां निकल गई, हमारे बच्चों को खा गई, और क्या करोगी तुम? अमृता बस 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 बोलो क्या, चल माफी मांग, माफी मांग। तुझे पता है तेरी गलती की वजह से सिद को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। माफी मांग, माफी मांग नकुल। दीपक जी अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, अब कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। नहीं शर्मा जी, माफी तो उससे मांगनी पड़ेगी। नकुल आखिरी बात पूछ रहा हूँ, माफी मांग रहा है? दीपक जी, दीपक जी संभालिए, मत कीजिए आप। शर्मा जी इसकी कोई गलती नहीं, उसे किस बात की सजा मिल रही है? दीपक जी हम आपकी बात समझे नहीं, कहना क्या चाहते हैं खुल के बताइए। गीत, गीत बेटा, शर्मा जी ये मेरी बेटी गीत इससे बहुत प्यार करती है, इस नालायक की गलती की सजा से मत दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये सगाई मत तोड़िए, सगाई होने दीजिए। मैं आपके पैर छूता हूँ, आपके पैर छूता हूँ। सिर बेटा मेरी बेटी गीत ये तुमसे बहुत प्यार करती है, ये खुशियों से मत छीनो, इस नालायक की सजा इसको मत तोड़ो, इस रिश्ता मत तोड़ो, ये सगाई मत तोड़ो, मैं तुमसे पैर छूता हूँ। अरे अंकल क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसे मत, समझाइए नहीं। मेरी बात सुनो, इधर आइए, इधर आइए प्लीज बेटे। आज तुम्हारे सामने नकुल के माँ बाप नहीं, एक बेटी के माँ बाप खड़े हैं, अपने बेटे की खुशियों की भीख मांग रहे हैं तुम्हारे सामने। प्लीज ये खुशियाँ हमारे दामन में डाल दो। ऐसे मत करो, इधर 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 बैठो, इधर रोहिणी सिस। दीपक भाई साहब ये सब आप क्या कर रहे हैं? औलाद की खुशियों का दर्द क्या होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, और बिल्कुल सही टॉक कर रहे हैं आप लोग। इसमें हमारी गीत की क्या मिस्टेकिंग है भाई? हाँ उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी उसे। सिड तुम नाराज हो मुझसे, जब तुम ऐसे खफा होते हो ना तो बर्दाश्त नहीं होता, चुप क्यों हो से? कुछ बोलो, कुछ बोलो, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? हाँ ये रिश्ता तो नहीं खत्म करोगे ना सिड? बोलो बोलो सिड, अगर तुमने ये रिश्ता खत्म कर दिया तो अगर तुम मेरे रिश्ता खत्म कर दिया तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी। गीत बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। नहीं 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 नहीं, तुम क्यों किलिंग आउट हो जाओगी भाई? हाँ किलिंग आउट हो तुम्हारे दुश्मन। और क्या कह रहे थे तुम? हाँ गीत को छोड़ दोगे, इससे ब्रेकिंग डाउन कर लोगे? अरे कैसे कर लोगे भाई, हम होने ही नहीं देंगे ये। अरे आप लोग ऐसे टेंशनिंग मत लीजिए, आई टेकिंग चिल पिल। और नकुल तुम, आज तो ये मिस्टेक तुमसे हो गई है,
आइंदा ये रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, हमारा डायसन तो यही है कि गीत ही हमारे घर की बहू बनेगी। हमें हैरानी होती है तुम्हारी सोच पर। एक औरत होकर एक लड़की के लिए तुम इतना गलत सोचती हो। विद्या हमारी बेटी है, वैसे ही आशी भी हमारे घर की बेटी है। जैसे तुम्हारे लिए विद्या की खुशियां मायने रखती हैं, वैसे ही हमारे लिए आशी की खुशियां मायने रखती हैं। अरे हमारे दोनों एक जैसी हैं। तुम क्यों उसे पराया समझती हो? कसूर आशी का नहीं है, कसूर उस लड़के का है, उसकी घटिया सोच का है। तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही? प्लीज तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि आज हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर सिद्ध वक्त पर नहीं पहुंचता ना, तो ना जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। अगर आज हमारे घर की इज्जत बेइज्जत होने से बची है ना, तो सिर्फ सिद्ध की वजह से, सिर्फ सिद्ध की वजह से। अरे देखिए, हमारे भाई साहब को तो कोई प्रॉब्लम ही है ही नहीं ना। अरे उनकी नो में ही उनकी यस है, है ना भैया? चलिए तो फिर नेक काम में लेटिंग कैसे, चलिए सगाई की रस्म शुरू करते। अरे तुम क्यों बैठी हो? चलो चलो चलो, गेट अप। अरे रोहिणी सिस, आओ आओ, भाई साहब चलिए। चलो, अरे दोनों रिंग एक्सटेंड करो भाई। गीत लो, चलो रिंग आउट करो। सेट, क्या थिंक आउट कर रहे हो? पहनाओ रिंग, चलो। एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरा अंदर चलो, आओ। तो बहुत अच्छी तरह जानती है लिटली शहर की लड़कियों को। ऐसे तो मेकिंग आउट करती है ये सब। अमीर लड़का देखा नहीं कि फ्लर्टिंग चालू। आशी ठीक है ना बिटिया? हाँ बाबा। आशी नहीं बेटा, नहीं ना बच्चे ना। पापा पता है, इनको ऐसा लगता है ना कि शायद हमारी गलती है, शायद लोग सही कहते, कोर्ट हमें ही है, हमारे पैर अशुभ है। देख आज तूने कह दिया ना, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करना बेटा। तेरी गलती नहीं है, तू अशुभ नहीं है बेटा, तुझमें कोई खोट नहीं है। अरे खोट तो इस समाज में जो इतनी घटिया सोच रखता है कि हर गलती के पीछे एक लड़की को कसूरवार ठहराता है। क्या हमने बचपन में तुझे यही सिखाया है कि बिना लड़े हिम्मत हार जाओ, दूसरों के ताने के सामने कमजोर पड़ जाओ और बिना गलती हुए अपने आप को गलत मान लो? नहीं ना,
तो क्यों क्यों बिना गलती किए तू अपने आप को गलत मान रही है? नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि जो हुआ वो गलत था। कि तू सिया राम जी का शुक्र है कि सही समय पर सिद्ध आ गया, और वरना न जाने आज क्या हो जाता बच्चे, पता नहीं आज क्या हो जाता। हाँ पापा, बोलिए क्या हुआ? हम भी तो तुमसे यही पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है। तुम गीत से सगाई करना चाहते हो या नहीं, बोलो। हाँ पापा, गीत अच्छी लड़की है, आपको भी पसंद है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, मुझसे प्यार भी करती है। हम ये तो जानते हैं कि गीत तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम ये नहीं जानते कि तुम किससे प्यार करते हो। बोलो बेटा, तुम गीत से प्यार करते हो या नहीं? सिद्ध बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं और तुम हमारे बेटे। हम तुम्हें आज से नहीं, बचपन से जानते, जब छोटे से थे, और तुम्हें हमसे अपने दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। हम बिना कहे तुम्हारी हर बात समझ जाते हैं। ये तुम्हारी आंखें हैं ना, आंखें लफ्ज बनकर हमें सब कुछ बता देती हैं। इसलिए तुम्हें हमसे कुछ कहने या छुपाने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है, और वो प्यार तुम्हारी आंखों में गीत के लिए नहीं। जिस तरह से तुम आज आशी को देख रहे थे ना, तुम्हारी आंखों में एक फिक्र थी और चेहरे पर एक डर, और वो डर प्यार था। लेकिन जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं गीत के लिए, तो तुम्हारी आंखों में गीत के लिए प्यार नहीं, समझौता है, सिर्फ समझौता। बेटा ये जिंदगी जो है ना, या शादी, समझौते से नहीं चलती है, प्यार से चलती है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अगर हमें अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पापा, ये रिश्ता तो आपने ही तय किया था ना। गलतियां हमेशा छोटों से नहीं, कभी कभी बड़ों से भी हो जाती है। और हमने अगर कोई रिश्ता किया है तो ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हें वो मानना ही पड़े या निभाना पड़े। हमारा फैसला गलत भी तो हो सकता है। तुम हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए अपनी और गीत की जिंदगी तबाह मत करो। लेकिन पापा, वो गीत की फैमिली को वहाँ क्या बोलेंगे? तुम उनकी चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। और रहा सवाल गीत का, हमें लगता है कि गीत एक समझदार लड़की है, वो भी ऐसे अनचाहे बंधन में नहीं बनना चाहेगी जिस बंधन में बनकर वो भी खुश ना रह सके। तुम्हारी प्रॉब्लम समझेगी और हम समझाएंगे उसे। उम्मीद है कि वो हमारी बात भी समझेगी। वो दोनों अंदर क्या बात कर रहे होंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। शर्मा अंकल और सिद अभी तक आए क्यों नहीं? उन्हें आ जाना चाहिए ना मॉम। लो, नेमिंग आउट किया नहीं कि गेट आउट हो गए दोनों। फादर और सन की बातचीत खत्म हो गई हो, सगाई की रस्म शुरू करें। अरे तुम हाथ आगे बढ़ाओ ना, क्या कर रही हो? सगाई है तुम्हारी, चलो रिंग आउट करो। कामनी, सिड यह सगाई नहीं करेगा। सगाई नहीं करेगा? भैया क्या बोल रहे हैं आप, ये क्यों नहीं करेगा? बुआ जी, क्योंकि मैं गीत से प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता। किसी और से लविंग करता? ये क्या बोल रहे हैं भैया? ये जो भी कह रहा है सही कह रहा है। अगर इससे सगाई नहीं करनी तो फिर रहने दो। भैया, दीपक जी, हम आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आप लोग यहां तक आए, हमसे उम्मीद की, और हम उस उम्मीद में खरे नहीं उतर पाए।
हम जानते हैं कि आपकी बेटी गीत हमारे बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर हमारा बेटा गीत से प्यार नहीं करता तो हम दोनों को ऐसे अनचाहे रिश्ते में नहीं बांधना चाहेंगे जिस रिश्ते में बनकर दोनों खुश ना रह पाए। और हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ और नहीं है, इसलिए हम बड़ी माफी के साथ ये कहते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। माफ कर दीजिएगा हमें। चलो बेटा। गीत, गीत रुको, रोहिणी सिस, दीपक भाई साहब प्लीज रुको। नकुल, जानते हैं आज तक कामिनी ने कराया फिक्सिंग रिश्ता एक भी ब्रेकिंग डाउन नहीं हुआ है। इस रिश्ते के लिए कितनी रिस्पेक्टिंग दी थी उन्होंने हमें, कितना मान सम्मान दिया था जानते हैं? कामिनी किस मान सम्मान की बात कर रही हो? तुम्हें इस रिश्ते के लिए पैसे मिल रहे थे। पैसे? भैया आप मेरा माउथिंग ना ही खुलवाए ना तो अच्छा होगा। भूल गया कि इस पर कितना खर्चा करके बैठे हैं हम? बस कामिनी, अब एक शब्द और नहीं बोलूंगी। इसने ये साबित कर दिया कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। बस करो कामनी। एक अनाथ कभी परिवार की अहमियत को समझ ही नहीं सकता। देख लिया, इस अनाथ ने अनर्थ कर दिया। कामनी चुप करो, बस बहुत हो चुका। ये अपना खून होता ना तो परिवार की इज्जत को संभाल के रखता, ना कि ऐसे सारे आम उछालता। कामनी, तुम किस खून की बात कर रही हो? सिड हमारे लिए हमारे खून से भी बढ़कर है, और आज अगर हमारी सगी अपनी औलाद भी होती ना तो वो सिड जैसी नहीं हो सकती थी। सिड ने जो आज हमारे लिए किया है ना, वो हमारी सगी औलाद भी हमारे लिए नहीं कर पाती। इसके पढ़ाईपन की बात कर रही हो ना तो सुनो, सिड ने हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारे एक कहने पर ये गीत से सगाई करने के लिए तैयार हो गया था। अपनी खुशियों का गला घोटने चला था ये हमारे सम्मान के लिए, हमारी इज्जत के लिए। ये तो अपने प्यार को छोड़कर गीत से शादी करने चला था। शुक्र है राम जी का कि सही वक्त पे हमें एहसास हो गया। तुम्हें पता है कल सिद्ध सर की सगाई नहीं हुई, सगाई टूट गई सर के। क्या बात कर रही हो? एकदम पक्की खबर है। अरे तुम लोग को कैसे पता? हमारे गांव का एक लड़का सिद्ध सर के यहाँ पे ड्राइवर है, उसी ने बताई पूरी राम कहानी। कांड हो गया था, बहुत बड़ा तमाशा हुआ वहाँ पे। अरे कौन सा कांड हो गया था? अरे वो गीत मैडम के भाई है ना, उनके और सिद्ध सर के बीच में गर्मा गर्मी हो गई। अभी बड़ा कोई कांड नहीं हुआ है। अरे सर, सिद्ध सर को गीत मैम से प्यार नहीं है, उन्हें किसी और से प्यार है। क्या सच? हेलो, इसीलिए तो सर। ठाकुर साहब, आपसे कंसाइनमेंट की बात हुई, कब तक डिलीवर हो जाएगा? आर यू श्योर? 2 दिन में हो जाएगा। आशी, चोट लग जाती तो। सॉरी सर, मैं संभालता हूं। लेके जाओ। थैंक यू बेटा। नहीं अंकल, थैंक्स ही कोई बात नहीं है इसमें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे कहते कुछ नहीं किया, कल भी तुमने हमारी आशी की इज्जत बचाई और फिर उससे पहले भी कई बार तुमने आशी को बचाया है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल सकता, क्योंकि थैंक यू तुम्हारे एहसान के आगे बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा। खैर एनीवे, तुम्हें और गीत की सगाई के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अंकल मैंने गीत से सगाई नहीं की। What? आशी, सिद्ध ने भी गीत से सगाई तोड़ दी।
तुम्हारी साइन चाहिए थी इन पेपर्स के। कहाँ? ये यहाँ पे। रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया। सिड, वो कल जो भी कुछ हुआ उसमें गीत की कोई गलती नहीं थी, गलती तो किसी और की थी ना, फिर गीत को सजा क्यों? तुमने गीत से सगाई क्यों तोड़ दी? हमारा मतलब है, गीत से सगाई क्यों नहीं की तुमने? गीत की तो कोई गलती नहीं थी ना। सिद, गीत तुमसे बहुत प्यार करती है, हमने खुद देखा है, फिर क्यों तुमने उससे सगाई तोड़ दी? बोलो ना सिद, तुमने गीत से सगाई क्यों नहीं की? आशी, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरा प्यार कोई और है, मैं किसी और से प्यार करता हूं। क्या? किससे? तुमसे।